नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर पर। जो राजस्थान पटवारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी 2018-19, उसी क्रम में जो मैंने एक बोला था कि आपको कंप्यूटर का जो पार्ट है, कंप्यूटर का जो सेक्शन है, वो सबसे पहले करवा देंगे, तो उसी के साथ कंप्यूटर प्रैक्टिस एक्ट 1 और ऐसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। आप इसको नीचे से डाउनलोड भी कर सकते हो। नीचे ये सारे के सारे PDF दिए जाएंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका नीचे के नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, खोलिए और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं देखो इसमें ओवरऑल जितने प्रकार के क्वेश्चन आता है उनका एक कंपाइलेशन पढ़ा रहा हूं मैं। एक बार चार वीडियो जाए, चार पांच वीडियो के बाद में क्या करूंगा, सेक्शन वाइज देख लूंगा। सेक्शन वाइज मतलब जैसे कि हार्डवेयर पे कौन से क्वेश्चन आता है तो हार्डवेयर हार्डवेयर के ही क्वेश्चन होंगे, सॉफ्टवेयर पे कौन से क्वेश्चन आते हैं तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन होंगे, और जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी, तो इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सवाल होंगे। तो टॉपिक वाइज भी हम इसको डिवाइड कर लेंगे। पहली बात तो मुझे ये बतानी थी। दूसरी बात कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कब होगी पटवारी की परीक्षा, तो बेटा किसी को नहीं पता पटवारी की परीक्षा किसको होगी, मुझे भी नहीं पता। हमारा काम है पढ़ाते रहना, तुम्हारा काम है पढ़ते रहना, बस ये है कि जल्द से जल्द होगी। अब कितना जल्द होगी ये, हालांकि ये अनुमान तो लगाया जा सकता है क्योंकि RSMSSB की वेबसाइट पे मैं खुद भी गया हूं पर्सनली। मैंने ऑब्जर्वेशन की कि वहां पे धीरे धीरे इन चीजों के बारे में खुसर बुसर हो रही है। RSMSSB से वालों से भी फोन करके भी पूछा मैंने कि हम पटवारी की परीक्षा देने वाले छात्र हैं, हमें कब तक एग्जाम मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसा करके थोड़ी मैंने बातें पूछी उनसे। उन्होंने कहा, आश्वासन दिलाया कि परीक्षा तो जरूर होगी और आने वाले महीने में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। जनवरी में इसका अनाउंसमेंट फिक्स है, श्योर श्योर जनवरी में अनाउंसमेंट हम कर देंगे, लेकिन डेट और वो जो अनाउंसमेंट की नोटिफिकेशन की डेट वो नहीं बता पाए, वो हम भी समझ सकते हैं वो नहीं बताएंगे। चलिए चलते हैं, अपन प्रैक्टिस करते हैं। तब तक कंप्यूटर, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक हम हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्ट्रोंग कर लेते हैं। देखो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और जैसा कि आप ट्रेंड देख रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि दूसरे एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, तो अभी हरियाणा कॉन्स्टेबल का शायद कोई एग्जाम था, उसमें आपको प्रोग्राम दिया था और प्रोग्राम रन करके उसका रिजल्ट क्या होगा वो पूछा गया था। तो मतलब कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चाहे पटवारी का एग्जाम हो तो पटवारी का एग्जाम में ऐसा मत समझना कि सर बहुत ही लो लेवल आएगा, लो लेवल भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसमें मीडियम लेवल के कंप्यूटर के सवाल आ जाएंगे, क्योंकि आज कंप्यूटर के अवेयरनेस का अनिवार्य है, सभी को जरूरी है कंप्यूटर जानना। तो उस हिसाब से ही मैंने थोड़े से सवाल कुछ लो लेवल के, कुछ मीडियम लेवल के, यहां तक कि एक दो हाई लेवल के बनाए। जैसे 10 सवाल हैं, 10 में से 3 हमारे बहुत लो लेवल के हैं और 6 हमारे बिल्कुल मीडियम लेवल के हैं और एक हाई लेवल का है। चलते हैं, पहला सवाल, निम्न में से किस में प्रोसेसिंग का उपयोग तब किया जाता है जब एक बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी ऑर्डर जमा करती है और उन्हें एक बड़े सेट में एक साथ संसाधित करती है। किसका प्रयोग, बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। क्या होता है ये टेक्नोलॉजी, बैच प्रोसेसिंग। देखो बैच प्रोसेसिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसमें प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक बैच में प्रोग्राम और डेटा एकत्रित करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां करता है। OS एक ऐसे कार्य को परिभाषित करता है जिसने आदेश कार्यक्रम डेटाओं को और इकाई के रूप में पूर्व निर्धारित किया गया है। देखो पहली बात, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लो और दो तीन बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, इसे लेमैन लैंग्वेज में समझो कि जब एक बड़ी कंपनी कोई ऑर्डर देती है तो वो बैच में ऑर्डर होता है, वो इकट्ठा बल्क में ऑर्डर होता है, तो उसपे जितने भी उसमें आदेश होंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी मीटिंग होंगी उसकी और जो भी उसके टर्मिनल पॉइंट होंगे, इसके लिए एक बैच बना दिया जाता है। इसको बोलते हैं बैच टेक्नोलॉजी या बैच प्रोसेसिंग तकनीकी। ठीक है, अब बैच प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है कि जब एक बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी ऑर्डर जमा कराती है करती है और उन्हें एक बड़े सेट में संसाधित करती है, मतलब उन्हें एक साथ कर लेती है कि यहां जाने वाले बैच यहां यहां, मतलब जिस नेचर का बैच है उस हिसाब से ये सारी चीजें हो जाती है। दूसरा सवाल, हम किसका कुशलता पूर्वक उपयोग करके टेस्ट का प्रवेश और एडिट कर सकते हैं। टेस्ट का प्रवेश और एडिट किससे कर सकते हैं हम,
डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार के फॉन्ट और आकार, कॉलम, औचित्य, पृष्ठ लेआउट, ग्राफिक्स, पुस्तकालय से चयन करने की अनुमति देता है और अक्सर दस्तावेज निर्माण और एडिट को शामिल करता है। ठीक है, ये तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो आपके मतलब थोड़ा सा एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। सवाल तीसरा आता है, ये बिल्कुल सिंपल वाला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? सीयू का कंट्रोल यूनिट का कोई कार्य नहीं है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, इंस्ट्रक्शन निष्पादित करना, यह भी काम करता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ता भी है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट भी करता है, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेट करना, उनको समझना, ये भी करता है, डायरेक्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन भी कंट्रोल यूनिट ही करता, और क्या करेगा? तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक पार्ट है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। यह है कंप्यूटर की मेमोरी, अंगणित तर्क इकाई और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को प्रोग्राम के निर्देशों का उत्तर देने का तरीका बताता है। तो ये आपका सीयू का काम हो गया, इंस्ट्रक्शन पढ़ना, जो भी काम हो गया, सीपीयू का एक मेन पार्ट है ये बेसिकली, और जो भी काम हो गया इससे रिलेटेड वो सारा यही करता है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर चार पर, किसी ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि एक फोल्डर है, एक फोल्डर है, अब इसका रीनेम करने के लिए, इसको कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, न्यू फोल्डर करने के लिए, प्रॉपर्टीज जानने के लिए, इसकी जितने भी विशेषता हैं, इनको एक्सेस करने के लिए, उपयोग करने के लिए माउस की तकनीकी कौन सी है? ड्रैगिंग, खींच के ले जाओ, नहीं वो तो दूसरी जगह शिफ्ट होता है। ड्रॉपिंग, नहीं यहां से, जैसे ये फोल्डर है इसको आप ड्रैग कर रहे हो, यहां पे ले जाके पटक दिए तो यहां आ जाएगा। राइट क्लिकिंग, बिल्कुल सही, आप माउस से राइट क्लिक जब करोगे फोल्डर पर तब सारी चीजें आ जाएंगी, न्यू, कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, प्रॉपर्टीज, ये सारा जाएगा। स्विफ्ट क्लिकिंग, नहीं स्विफ्ट क्लिकिंग भी नहीं होता, स्विफ्ट क्लिकिंग तो कीबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है। फाइल पर राइट क्लिक करने से आपको फाइल के साथ चीजों की सूची मिलती है या इसके गुणों को देखने का विकल्प मिलता है। अपने डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर राइट क्लिक करने से आपको डेस्कटॉप को एडिट कर सकते हैं। यहां लिंक पर राइट क्लिक करने से आप लिंक के साथ अन्य चीजों के देखने अलावा इसे भी कर सकते हैं। ये तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए आसान सवाल होगा। एक कंप्यूटर का एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक श्रृंखला 100 पोस्ट त्रुटि कोड के साथ एक समस्या प्रदर्शित करता है। एक श्रृंखला एक पॉइंट है, 100 पोस्ट त्रुटि कोड के साथ एक समस्या प्रदर्शित करता है। हार्ड ड्राइव, रैम, रोम, सिस्टम बोर्ड, वीडियो अडेप्टर, इनमें से कोई नहीं। सिस्टम बोर्ड, देखो कंप्यूटर के साथ, पावर सिस्टम के साथ कुछ समस्या है, कंप्यूटर में जो पावर सिस्टम के साथ कुछ समस्या है जो सिस्टम का मदर बोर्ड उपयोगकर्ता को इंगित करता है। श्रृंखला 100 पोस्ट, यदि आपका एरर 100 आ रहा है, कौन सा एरर 100 आ रहा है, इसका मतलब ये बताता है कि मदरबोर्ड के साथ कुछ परेशानी है। एरर 100 का मतलब क्या होता है कि मदरबोर्ड, जो सिस्टम बोर्ड है, उसके साथ कोई ना कोई समस्या है। एरर 100 बड़ी फेमस है, जैसे एरर 503 होती है, तो ये इंटरनेट, जैसे कोई वेबसाइट ब्रेक डाउन हो जाए तो एरर 503 आती है, तो ऐसे ही एरर होती है 100। जब कंप्यूटर बायोस में शैडोइंग का इनेबल किया जाता है, यदि कंप्यूटर बायोस में आपने शैडो इनेबल कर दिया तो उससे क्या होता है, विभिन्न रोम चिप्स में संग्रहित इंस्ट्रक्शन की प्रतिलिपि को इसमें कॉपी किया जाता है, मेमोरी में अनावश्यकता के लिए मान को दो बार संग्रहित किया जाता है। सिंपल सा इसका सीधे शब्दों में बता देता हूं, विभिन्न रोम चिप्स में संग्रहित इंस्ट्रक्शन की प्रतिलिपि को इसमें कॉपी किया जाता है। देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम रोम होती है, कि सामग्री को रैम में कॉपी करने के लिए, रोम में जो चीजें हैं उसको रैम में कॉपी करने के लिए, जिससे रैम कंप्यूटर को तेजी से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले, प्रक्रिया को बायोस की छाया के रूप में जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बायोस शैडोइंग प्रोग्राम बोलते हैं। इस प्रक्रिया को बायोस शैडो या शैडो मेमोरी और शैडो रैम के रूप में भी जाना जाता है। ये भी साधारण सा सवाल है, नहीं समझ में आया नीचे डाउनलोड कर लो इसको, एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं, बड़े कैपिटल अक्षरों को टाइप करने के लिए, साधारण सिंपल से सवाल, जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, क्वेश्चन सिंपल भी होगा एक, बड़े कैपिटल अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करा जाता है? शिफ्ट और लॉक कुंजी, हाँ जी दोनों को ही किया जाता है।
माफ कीजिएगा, एक मिनट, इसमें आपको बी और सी दोनों को ही किया जाता है, शिफ्ट लॉक कुंजी। हाँ, तो बी और सी क्या हो गया आंसर, इसका डी हो गया। शिफ्ट और कैप्स लॉक कुंजी का उपयोग, मतलब ये की का उपयोग कैपिटल अक्षरों या लोअर केस अक्षरों के लिए किया जाता है, ये सभी को, ये तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से आपको। आठ, सवाल नंबर आठवें पे चलते हैं कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक और कुंजी के साथ संयोजन में कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना हो, जैसे आपको कॉपी करना है तो कॉपी के लिए आप क्या दबाते हो, एक तो सी दबाते हो और उसके साथ क्या दबाते हो, कंट्रोल दबाते हो, सिंपल सी बात है, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल। कंप्यूटिंग में एक नियंत्रण कुंजी एक संशोधक कुंजी है जो किसी अन्य कुंजी के साथ संयोजन में दबाया जाता है, तो एक विशेष ऑपरेशन होता है। उदाहरण के लिए कंट्रोल प्लस सी शिफ्ट कुंजी के समान, नियंत्रण कुंजी शायद ही किसी फंक्शन को दबाती है जब इसके द्वारा दबाया जाता है। ये भी सवाल बहुत ही सिंपल, मतलब मीडियम रेंज वाला सवाल है ये, आपके सवाल बहुत, मतलब ये सवाल आ सकते हैं आपको, आप ऐसा मत मानना कि आपको सीधा ही पूछेगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से बता दो, बिल्कुल ये मान के मत चलना, इतना साधन आपको पेपर नहीं आना। सवाल नंबर 9, एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है, फॉर्मूला बार जो होता है ना फंक्शन ऊपर, फंक्शन बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट विंडो के शीर्ष पर एक टूल बार जिसका उपयोग सेल या चार्ट में मौजूद सत्र को दर्ज या कॉपी करने के लिए किया जाता है। एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब एक्सेल बनी हुई, जैसे ये शीट बनी हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो ये हैं, इनके अंदर जो आप कॉपी करोगे, इनके अंदर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे, तो ये FX लिखा हुआ था ऊपर, तो FX में यदि फॉर्मूला लिख देते हो तो आप उस FX में, उस आपके फोल्डर में, उस जगह में वैसा ही कार्य हो जाता है। जैसे आपको ऐड करना है, इस वाले सबको ऐड करना है, तो आप FX में इस दर फॉर्मूला लिख दो, सारे ऐड हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट विंडो के शीर्ष पर एक टूल बार जिसका उपयोग आप सेल या चार्ट में मौजूदा सत्र को दर्ज या कॉपी करने के लिए करते हैं, इसे फंक्शन प्रतीक FX के साथ लेबल किया गया है। फॉर्मूला बार क्लिक करके जब आप किसी सेल में बराबर प्रतीक टाइप करते हैं तो फॉर्मूला बार सक्रिय हो जाएगा, इसे मतलब क्लिक। एक दूसरा सवाल कि इसको एक्सेस कैसे किया जाए, आप बराबर दबाना पड़ेगा तब जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दसवां सवाल, यदि आप डैश दबाते हैं तो MS Excel में सेल आपके टाइपिंग को आपकी सामग्री के रूप में स्वीकार करता है, एंटर दबाते हो, जब आपने जो भी लिखा तो आप उस पर जब एंटर प्रेस कर दोगे तो वो नीचे वाले सेल में आ जाएगा, मतलब ये आपका रजिस्टर हो जाता है। एंटर की का उपयोग सेल में प्रविष्टियां दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो आज के सवाल ये अपने यहां तक हुए। देखो अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद, जैसे आप देखते आ रहे हो वैसे ही देखते रहे, और आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब ज्यादा बच्चे देखने वाले होंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, लाइक जरूर करें बेटा, और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आपके जिन दोस्तों ने नहीं देखा उनको भी दिखाए, उनको भी शेयर करें, उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, और नीचे जो बेल आए, सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का जो बटन है इसे भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं ये टेस्ट डाला करूं, ये क्वेश्चन डाला करूं, आपके पास ये मैसेज आ जाए। इसको मैंने बताया कि आपको देखकर जब आए नोटिफिकेशन, उसके बाद भी जो भी काम कर रहे हो चला के छोड़ दो, जो भी आवाज है उसको सुनते रहो, याद हो जाएगा, एक बार नहीं दो बार चलाओ, दो बार में जरूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले दिन और अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ। मैंने बताया चार बार के बाद में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा, और जो भी आपको समस्या लगती है वो नीचे अभी तक जैसे लिख करते आए हो कमेंट करते जाओ, और आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या है, लेट्स स्टडी टुगेदर। क्या नाम है, लेट्स स्टडी टुगेदर। और आप हमें YouTube पे भी फॉलो कर सकते हैं, YouTube पे तो करना ही है आपको, और Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं। Facebook पे क्या नाम है, लेट्स स्टडी टुगेदर, Facebook पे भी यही नाम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।